हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मिड ब्रेन और डीएमआईटी टेस्ट दोनों पर। मिड ब्रेन क्यों आवश्यक और किन बच्चों के लिए आवश्यक है, तो क्या आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, क्या आपका बच्चा आपकी कोई बात नहीं मानता, क्या आपका बच्चा आपसे चिड़चिड़ा रहता है, क्या आपके बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्या आपका बच्चा मोबाइल और टीवी नहीं छोड़ता। मोबाइल और टीवी नहीं छोड़ता तो ये समझ लीजिए आपका बच्चा बहुत वीक है पढ़ाई करने में। क्या आपका बच्चा को बहुत तेज गुस्सा आती है, क्या आपके बच्चे से आपकी बनती नहीं है, क्या आपके बच्चे से आपके व्यवहार और उसके व्यवहार दोनों के मैच नहीं खाते, आप घर में आते हैं और वो चला जाता है, क्या आपका बच्चा बच्चे में करियर को लेकर बहुत चिंतित रहता है, क्या आपके बच्चे की आप करियर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उन पर फोन करिए और हमसे बात करिए, उनकी डीएमआईटी टेस्ट और मिड ब्रेन दोनों की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। क्या आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, क्या आपके बच्चे को पढ़ी हुई लाइनें याद नहीं होती, क्या आपके बच्चे को की एकाग्रता पढ़ाई में नहीं है, क्या आपका बच्चा जब आप पढ़ाते हो बच्चे को तो इधर उधर ध्यान रखता है, क्या आपके बच्चे में करियर चॉइस करने में परेशानी आ रही है। आजकल के बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है एक ही तरफ ध्यान रखने में, वह एक ही विषय की ओर एक ही तरफ ध्यान नहीं रखते, भिन्न भिन्न तरफ ध्यान रखते। क्या आपके बच्चे को पढ़ा हुआ लिखा हुआ याद नहीं होता, क्या आपके बच्चे को की एकाग्रता पढ़ाई की ओर नहीं है, क्या आपके बच्चे को कुछ भी याद नहीं होता, क्या आपका बच्चा लिखने पढ़ने दोनों में कमजोर है, तो आइए हमसे मिड ब्रेन और एक्टिवेशन कराइए और सीखिए बच्चे का दिमाग तेज कैसे किया जाता है, उसका लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है या राइट ब्रेन काम कर रहा है, आइए हमसे जानिए। धन्यवाद।